T20 विश्व कप 2022 की धुंधली तस्वीर सामने आने लगी है और बारिश की वजह से कई टीमों की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह कठिन हो गई है। ग्रुप बी जिसमें भारत पाकिस्तान की टीमें शामिल है उसमें तो अभी सभी टीमों के पास आगे बढ़ने के मौके हैं, लेकिन ग्रुप ए की हालत ऐसी हो गई है कि बड़ी टीमें भी सेमीफाइनल से बाहर होती दिख रही है। ग्रुप बी की टीमों को 3-3 मैच खेलने हैं, लेकिन पहले 2 मैच हार चुकी पाकिस्तान यदि 3 मैच जीत जाती है तब भी उसे भारत की जीत के लिए दुआएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे से हारा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का फ्यूचर अब टीम इंडिया की जीत पर टिका हुआ है। वो कैसे, आइए समझते हैं। पाकिस्तान शुरुआती 2 मुकाबले हार चुका है और बाकी बचे 3 मैच वे जीतता भी है तो उसे भारत की जीत के लिए दुआएं करनी पड़ेगी। यदि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने 2-2 मैच जीत लिए तो वे पाकिस्तान को पीछे छोड़ देंगे, इसलिए पाकिस्तान चाहेगा कि भारत और साउथ अफ्रीका के मैच में हर हाल में जीत टीम इंडिया की हो। भारत ने अफ्रीका को हरा दिया तो पाक की उम्मीदें जिंदा हो जाएंगी। पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे अपने 2-2 मैच हार जाएं। हालांकि इसका कितना असर पड़ेगा वो अभी आने वाले 3-4 दिनों में पता चल जाएगा। T20 विश्व कप 2022 में सबसे बड़ा उलटफेर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा कर किया है। इससे वह न सिर्फ अंक तालिका में 3rd नंबर पर पहुंच गया बल्कि पाकिस्तान को विश्व कप के बाहर जाने का रास्ता भी बना दिया है। यदि जिम्बाब्वे 2 मैच भी जीत लेता है तो उसके अंक 7 हो जाएंगे, वहीं पाकिस्तान 3 मैच जीतेगा तब भी उसके 6 अंक ही होंगे। यही हाल साउथ अफ्रीका का भी है। ग्रुप में टॉप पोजीशन पर पहुंचे भारत ने 2 मैच जीते तो सेमीफाइनल में उसकी सीट पक्की हो जाएगी और पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ जाएगी। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ इंडीज़।